रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। भाई जो 18 अगस्त को पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसको हम एनालिसिस करेंगे। मैंने जीके जीएस का तो एनालिसिस कर दिया था, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैथ को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग प्लस जितने जो साइंस के न्यूमेरिकल आए थे उनको देखते हैं। तो देखो ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, चाहे आने वाला जो एग्जाम है ग्रुप डी का सेकेंड फेज का, उनके लिए भी है, क्योंकि इसी के आसपास जो क्वेश्चन एक पैटर्न होता है उसी के आसपास पूछे जाते हैं। सपोज करो एक जो टाइम एंड डिस्टेंस का आ रहा है तो भाई देखो उसी का ही आएगा, टाइम का, डिस्टेंस का, या फिर सब लोग सिंप्लीफिकेशन का, तो उसे पता लग जाता है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट मतलब क्लास जो है आपका टेट, सुपर टेट और जो इनके लिए इम्पोर्टेंस है, देखो इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बार बार। तो स्टार्ट करते हैं क्लास जो आज की। और देखो पीडीएफ के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप प्लस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ से जो आपको ये जो पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये मैंने जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों के लिए ले लिए क्वेश्चन। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। संख्या हमारा 115xy, यदि जो 90 से जो विभाज्य हो तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ये हमारा पूछा गया था, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 7+2 के रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो इसको 0, ये 90 से विभाजन इसके 90 से विभाजन की बात कह रहा है, तो 2+0 इसका जो आ जाएगा ये, तो ये 2 इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² - देखो कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं तो उन्हें जो ऑप्शन से हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम होता है और हमें अनाड़ीपने से क्वेश्चन नहीं करने, हमें जो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करने हैं, पेपर को हमें जो सोल्व करना है। तो देखते हैं भाई, यदि x² - 9x + k = 0 एक मूल है, 3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करना है हमें, तो 9 तो इसमें रखेंगे तो x हमारा क्या है, तो बनाएंगे इस इक्वेशन को, x हमारा जो कितना है 3, इसका हल है तो ये जो 9 - 27 + जो है k, इस तरह से रखा तो k = हमारा जो 18 आ गया, तो x² - 9x + 18, तो इसके जो हमारे जो मूल निकल के आएंगे जो रूट्स आएंगे तो वह -6 और जो 3, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x हमारा जो 6 हो जाएगा, दूसरा हमारा 3 है तो 3 हमारा दिया हुआ, दूसरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखो जो स्क्वायर रूट से इनसे क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो क्वेश्चन आया हुआ है, यदि 9:12 जो ये हमारा है 12:1 समानुपात जो है 12:x तो था जो 7:28 वो समानुपात है हमारा जो है 28:1 जो y हो, तो जो ये हमारे मान ज्ञात करना है 2x + y का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, देखो इनको ऐसे इस तरह से लिख लेंगे 9/12 और जो 12/x, देखो इस तरह से दोनों तरफ से सोल्व कर ले, 9x × 12 × 12 रखी वैल्यू, x = आ गया 16 आ गया, इधर देख लेते हैं y के लिए देख लेते हैं, इसमें रखेंगे y = हमारा 28 × 28, तो y से ये तो कैंसिल आउट करेगा, तो ये जो y = क्या आ जाएगा 1/1 जो हमारा कितना आ जाएगा 112, और जिसको लिखो इसकी इक्वेशन में रखो जो इक्वेशन दी हुई है हमारी 2 (x + y), तो 16 + 112 = 112, 16 + 112 तो कितना हो जाएगा 128 हो गया, दोनों तो 256 हमारा आंसर है जो दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भाई देखो आपके लिए मेहनत की जा रही है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहें और ग्रुप से जुड़ जाएं, यदि आपको किसी भी एग्जाम के लिए रिलेटेड जो अपडेट चाहिए तो उसको सारी जो अपडेट आपको टाइम से दी जाएगी सब कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ए हमारा 100 अंडा गिनता है और जो 4 मिनट में गिनता है, तथा बी हमारा जो 100 अंडा गिनता है वो 5 मिनट में गिनता है, तो दोनों मिलाकर जो 450 अंडे गिनते हैं तो उन्हें कितने मिनट लगेंगे ये पूछा गया है। देखो भाई इसके निकाल लेते हैं, इसी से क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 4 मिनट तो 25 × 100 तो 25 में आ गया 25 अंडा, और यहाँ से जो तो 20 × 5 = 100 यहाँ पे 20 अंडे आ गए, तो दोनों कितने दोनों मिलकर करेंगे, तो इसके लिए 450 / 45 तो ये 10 मिनट आ गया, तो 10 मिनट इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए से बी तक 60 किलोमीटर/आवर जो पर हावर की चाल से जाता है तथा जो 100 किलोमीटर/आवर की चाल से जो वापस लौट आता है, तो आने का जो औसत चाल क्या रहा, तो ए हमारा जो है बी तक गया, इसकी जो स्पीड है हमारी जो 60 किलोमीटर/आवर है, और जो बी वापस आ रहा है इसकी कितनी है हमारी जो 100 किलोमीटर पर हावर है, तो दोनों के औसत चाल के बारे में हमारे इसका देखो फॉर्मूला है,
तो इसके लिए देखेंगे 2 into एक्स वाई अपॉन जो एक्स प्लस वाई, दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दो, जो उसका दोगुना कर दो और अपॉन जो दोनों को ऐड कर दो। तो इसमें रखी 2 into 60 into 100 अपॉन जो 160, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी आ जाएगी 75 पर किलोमीटर पर हावर, इज द करेक्ट आंसर है। भाई जिसको देखो नहीं आता मैथ या रीजनिंग नहीं आती, वो हमारी क्लासेस देख सकता है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है हर लेवल की। तो ये सी टेट के लिए, सी टेट और जो सी सेट के लिए बहुत अच्छी क्लास है, जिसको नहीं आता बिल्कुल ABCD से सिखाई जाएंगी। तो और लाइक और शेयर करते रहें, जिसको देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो जुड़ जाओ चैनल से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.0256 का जो डिवाइड करना है जो 0.008, तो इसका जो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या आएगा। देखो दोनों की वैल्यू रखो, ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 256 अपॉन जो इधर रखा हमने, तो ये 32 अपॉन जो 8, तो कितना हो जाएगा 3.82 इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ये बोल रहा है 1280 रुपए 5% की जो वार्षिक दर है, तो ये हमारी इंटरेस्ट रेट है, जो एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए ज्ञात करो, हमारा जो फॉर्मूला होता है PI = PRT/100, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1280%, इसके लिए ये 5% अपॉन जो 3y, तो ये SI = RT कितनी परसेंट के लिए, 1280 का कितना लेगा 15% अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 192 रुपए इज द करेक्ट आंसर है। देखो एक क्वेश्चन कई तरीके से कर सकते हैं, हमें वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की अटेम्प्ट करना और जो स्पीड से करना है, ये नहीं कि लंबा क्वेश्चन एक ही में ले रहे हैं, मान लिया घंटा ले रहे हैं, तो भाई वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये EDE, एक देखो एक हमारा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें देखो इसके ये जो ये है ये पैरेलल होती है दोनों, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम वाला क्वेश्चन है। देखो ये हमारा ट्रायंगल है ABC और ये DE, तो हमारा देखो ये जो DE पैरेलल है हमारा AB के, तो इसको ले ले हम जो x/2 है, तो ये x+1 और x+10 इस तरह से, ये देखो x/2 + x+1, तो x+2 = 3x+2/2, तो AB का जो मान ज्ञात करना है इसके लिए, तो x अपॉन जो 10 प्लस जो x+10 इक्वल टू हो जाएगा x/2 / 3x+2/2, तो ये x+10 = 3x+2 और ये आ जाएगा 2x = 8 और x = 2, तो ये AB हमारी निकल के आएगी, टोटल जो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो आ जाएगी 14। तो देखो ये थोड़ा ट्रिकी थोड़ा हर क्वेश्चन था, ये आता है तो कर लो, कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये हमारा 14 इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारा, देखो भाई क्वेश्चन, तो इसमें क्या है बहुलक L जो फाइंड आउट करना है, इसके लिए फॉर्मूला है, तो 12 अंतराल दिया हुआ है हमारा 2, 4, 4, 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और जो बारंबारता है इसकी जो 10 है, 8 है, 22 जो 20 है, 12, और जो इसमें जो बहुलक ज्ञात करना, तो वैसे तो हम बता देते हैं लेकिन इसको इसके लिए डिफरेंट है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये, अगर यदि हमें फॉर्मूला नहीं पता तो नहीं निकल के आएगा, तो अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछा गया है। तो एल प्लस FM माइनस जो F1 अपॉन जो 2 FN - F1 - F2 इंटू हाइट, तो इसमें देखो वैल्यू फाइंड आउट कर रखेंगे, तो H इजिकल टू हमारी जो है दे दिया हुआ है हमें जो 2, L इजिकल टू दिया हमारा जो जो है 6 है, और F1 हमारी 8 है, और जो FM इजिकल टू हमारी 20 है, और F2 इजिकल टू हमारा 12 है। तो इसमें देखो सारी चीजें मैंने बता दी है, लिख लेते हैं इसके फॉर्मूले में, लिख लेते हैं 6 + 20 - 8 अपॉन जो है 40 - 8 - 12, ये जो इंटू 2, तो देखो इसमें सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 6 + 12 * 2 / 20, तो 6 + 1.2 = 7.2 इज द करेक्ट आंसर इसका। भाई देखो अपने मैच करते रहे, और देखो कमेंट बॉक्स में आपने जो आप कितने मैथ के क्वेश्चन अच्छे करके आए हैं, और मैंने जो जी के जिस जिसने जी के जीएस की नहीं देखी क्लास, और जो साइंस की वो देख सकता है, उसमें पड़ी हुई है जो दोनों दिन की जो अब तक जो है 17-18 की सबकी पड़ी हुई है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10, एक वस्तु का मूल्य जो 5000 रुपए से जो 2000 कम है, रुपए कम है, तो उसे 10% की छूट का जो खरीदा जाता है, तो उसका जो क्रय मूल्य बताना है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और जो हमारा जो जो कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछा गया, तो ये हमारा मूल्य इक्वल टू जो 3000 और जो CP = 3000 का जो 90%, तो ये जो 2700 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हमारा, एक चतुर्भुज के चारों शीर्षों को मिल जो जो क्रियात्मक क्रिया है जो मेरे ये मिलाया गया, तो इसमें 0 0 से -2 1 1 और 2 और ये 4 और 0
और दो और माइनस तीन हो तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसे ऐसे लिख लेते हैं हम इसको बना के, तो माइनस टू प्लस एट पे ये जो और ये आठ इस तरह से निकल के आएगा, तो तीन प्लस आठ इजिकल टू ग्यारह। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है भाई, देख लेते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है फिर दो, देखो ये हमारे ब्रैकेट दिया हुआ है तो बोर्ड मास का रोल जानते हैं तो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर वाले ब्रैकेट को, फिर जो तो ये आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा हमारा 318। डायरेक्ट कराया जा रहा है, देखो इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि भी कर लिया जाएगा। जिसको नहीं आता बेसिक से वो चैनल को ज्वाइन करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करो, प्लस व्हाट्सअप का ग्रुप है वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो पता लग जाएगा आपको जो किस लेवल का पढ़ाया जाता है। तो ये 12 प्लस जो आपका कितना आ जाएगा 20, तो ये 32/2 इज 16 इज द करेक्ट आंसर है। देखो ये बाद में सोल्व होगा वर्ड मास से। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एक कार चाल पहले जो दो घंटे तक जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहता है, तो इसके प्रति एक दो घंटे का चाल जो 15 किलोमीटर पर आवर की दर से बढ़ती बढ़ती चली जाती है। पहले दो घंटे रही, दो घंटे तक कितनी रही 40 जो 60 किलोमीटर पर आवर, फिर दो घंटे के प्रति एक दो घंटे में जो चाल कितनी बढ़ रही है 15 किलोमीटर पर आवर जो की रेट से बढ़ रही है, तो उसे जो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो कुल कितना समय लगेगा पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 2h इक्वल टू 1h इनटू ये जो 120 और 75 90, तो ये हमारा कुल समय आ जाएगा 5h। तो ये 360 माइनस जो 120 ये निकल के आ जाएगा, इसके 9 इसमें जो 90 माइनस 90 ये हमारा 5 इज द करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 है भाई, देखो भाई देखो वीडियो को लाइक शेयर करते ना, यदि थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है ना आपको लगता है कि भाई हाँ क्लास में थोड़ा सा मेहनत की गई है इस तरह से, तो देखो देखो शेयर करो, दबा के शेयर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है जो 12 जो हमारा डिवाइड कर रहे हैं जो इसको, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रोल लगना है, जिसको आता है वो देखो कर ले जाएगा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, तो 16 तो बी बोर्ड मास, तो ये हमारा जो बाकी इसको जो दोनों को मल्टीप्लाई कर दी और सोल्व कर लिया, तो ये आ गया हमारा 30 माइनस जो 98 अपॉन ये माइनस के 68 इज द करेक्ट आंसर है। देखो सिंप्लीफिकेशन कई क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड मास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, दो संख्याओं का अनुपात जो 7:5 है, तो इनका अंतर जो कितना है 28 है, तो वह संख्या कौन सी है, तो ये पूछा जा रहा है। तो 28 अपॉन इंटू 7 तो ये 98 है, जो ऑप्शन में हमारा 98 दिया हुआ, तो ये देखो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 5 और जो इस तरह से बनी हुई है, देखो 5^2 है इंटू जो 5^3 है और 5^4 है, तो इजिकल टू 5n4, तो n का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 5^ जो हमारा 9 इजिकल टू 5^n, तो दोनों को इक्वल कर लेंगे हम जो पावर की जो प्रॉपर्टी से, n इजिकल टू आ जाएगा 9। तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है भाई, देखो अच्छे से कर लें जिसको नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, देखो ये किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हमारी 12 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो s इजिकल टू हेयर द s इजिकल टू क्या होता है हमारा पैरामीटर, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा इसको जो सॉर्ट आउट करेंगे हम, सोल्व करने के बाद क्या जाएगा हमारे जो 44 ये टोटल आ जाएगा 44/2, तो ये हमारा 22। तो इससे देखो तो एरिया निकालने के लिए वैल्यू रखी हमने सबकी, ये 22 10 जो और जो 84 डायरेक्ट कर दिया, इसमें निकल का आएगा जो 8/110 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19, क्वेश्चन नंबर 19, टीवी की कीमत जो प्रिंटर की कीमत से जो 3500 रुपये कम है, एक टीवी है उसकी कीमत जो प्रिंटर से 3500 रुपये कम है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखो अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं, तो देखो हो जाएगा, प्रिंटर की कीमत टीवी की कीमत से दुगुना है, तो अब टीवी की जो कीमत क्या है, तो पीटी अनुपात जो हमारा 2, तो 2:1, एक जो कितना है हमारा इसका अनुपात देखें तो 3500, तो टीवी की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी 3500 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इतनी इजी क्वेश्चन है, दी समझ में हमें लॉजिक पता है सारी चीजें पता है। देखो ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा, देखो 1 cos theta + 1/cos theta इक्वल टू फाइंड आउट करना, अंडर रूट में दिया हुआ है, तो देखो ऑप्शन का अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन के बनाना होता है, तो cosec थीटा माइनस जो cot थीटा बनाना है जो और भी, तो देख लेते हैं इसको। देखो ये बन के बाकी नहीं बन रहे, तो ये बन जाएगा, तो अंडर रूट में 1 cos² theta और 1 + cos² theta माइनस cos थीटा लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, तो देखो ये क्या दोनों ये क्या बन के हमारा क्या बन के जाएगा, ये 1 cos² theta, तो 1 cos² theta क्या होता है sin² theta, क्योंकि तो sin² theta + cos² theta इक्वल टू 1 होता है प्रॉपर्टी से, पता होना चाहिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर ये निकल के आ गया और नीचे से निकल के आ गया, तो 1 sin theta और अपॉन जो 1 अपॉन जो ये टोटल है जो sin theta,
1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अलग अलग तोड़ लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 21, तीन संख्याओं का अनुपात जो 3:7, 3:8 है तथा दूसरे वर्गो का योग जो 7,808 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, हमें बताना है, तो ये परसेंटेज का देख लेते हैं, इसके जो अंडर रूट में 7,800 जो 8 अपॉन जो 142, तो इसे इसे क्योंकि देखो दोनों का क्या कर रहा है, तो एक 18 इंटू 8 तो 144 हो गया, एक अनुपात जो 8, तो इसे फोटाफोट जो सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो एक आठ अनुपात जो एक निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0 है, मूल अल्फा हमारा अल्फा और बीटा है, यदि वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो जिसका पहला मूल जो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन जो दूसरा मूल जो अल्फा इंटू बीटा हो। देखो ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जो हमारा जो जो द्विघात समीकरण का, तो देख सकते हैं, देखो हम जानते हैं, देखो ये दिया हुआ, तो पहला मूल के लिए अल्फा प्लस 1 अपॉन, देखो फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू, देखो इसको इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो कॉमन ले लिया हमारा एलसीएम ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5.2 दिया हुआ, दूसरा मूल है अल्फा इंटू बीटा 2 है हमारा, तो द्विघात समीकरण होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा बीटा, तो ये हमारा अल्फा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 अपॉन 2 एक्स प्लस 5, तो देखो इसको सोल्व करेंगे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगी ये जो 9x² माइनस के 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये हमारी देखो बन के आएगी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, यदि देखो ये देखो हम रीजनिंग में लिख सकते हैं, यदि माइनस को प्लस लिखें और प्लस को जो हमारा मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को जो माइनस लिखा जाए, तो ये हमें जो रखना था, तो ये हमारा जो 13 / 18 माइनस के 5 प्लस जो 10 × 2 का मान ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए वो वैल्यू रख लेते हैं जैसे जैसे दी हुई है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व फिर बोर्ड मास लगा देंगे, तो कितना आएगा 23 ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस के 5 प्लस जो 25, तो ये हमारे 20 इज द करेक्ट आंसर है। देखो गलती कहाँ होगी बोर्ड मास में, वो कोई गलती नहीं होने वाली, और तो कर ले जाएंगे, इसको नहीं आता देख ले भाई अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो साइंस का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, मैंने कहा था ना कि भाई जो उसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हमने उसमें आया था साइंस में, हमने बोला था इसको देखो अच्छे से हम मैथ में समझाएंगे क्योंकि मैथ का है न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए क्या देख लेते हैं, देखो ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा फिगर बनाया हुआ था, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, इस तरह से बनाया गया, ये बैटरी लगाई हुई है हमारा, इसको मैं तुल्य प्रतिरोध बनाना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना था हमारे तुल्य, तो देखो ये कितना है हमारा, देखो एक पैरल में लगी हुई है, देखो ये पैरल में, तो ठीक है ना समांतर क्रम में इसको देख लेते हैं, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 इस तरह से एंड तक जाता है जितने भी हो, तो इसलिए फॉर्मूले में लगे 1/R = 1/2 + 1/6, तो ये निकल के आ जाएगा 1/R = 4/6, तो इसका देखो निकल के जो 2/3, तो इसको रिवर्स करेंगे R = हो जाएगा 3/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो हमारा सेकंड शिफ्ट का है, देखो सेकंड शिफ्ट में देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन एक्स का जो 24% का जो 10% = हमारा कितना है 240 हो, तो एक्स का जो मान ज्ञात करना, देखो सिंप्लीफिकेशन जो पत्ते पाड़ रहा है पूरा का पूरा x इंटू जो हमारा 24/100 × 10/100 = हमारा 240, तो निकल के आ जाएगा ये 1 जो हमारा ये जो 1000 जो हमारे 1000 आ जाएगा, तो ये हमारा 1000 नहीं 10000 आएगा, कहीं 10000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, किसी समलंब का एक अंतःकोण, ये हमारा समलंब दिया हुआ है, इस तरह से देखो इस तरह से बनाना है, 135 डिग्री है, तो दूसरी भुजाओं की संख्या क्या होगी ये बताना है हमें, तो इसलिए देख लेते हैं, जो ये हमारा अंतःकोण है हमारा 135 हो गया, तो दूसरा निकालने के लिए कितना होगा हमारा अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 माइनस जो 35 कितना आगे निकल के आ गया बेटा, ये आ गया हमारा जो 45, तो 45 को जो कितना निकालेंगे, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360/n, तो ये हमारा कितना, ये हमारा थीटा हमारा कितना है 45, तो ये कितने निकल के आई, n हमारी निकल के आई 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारी 1000 की जो राशि पर जो 10% की वार्षिक दर, देखो फिर ये देखो आपका आ गया हमारा क्या चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ब्याज की दर से जो कितने वर्षों में जो 1331 रुपये हो जाएगा, तो जो 1000 ये हमारा 10% का अपॉन इसमें निकालना है, 1331 की बात है, 1331 से हमारे 1000 की बात है 11 × 10 इस तरह से सोल्व आउट करेंगे, तो 3 वर्ष निकल के आएंगे, 3 इज द करेक्ट आंसर है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देखो इसकी जो हमें डाटा पूरा नहीं मिल पाया, तो इसको देख लेंगे हम, जो बाद में बता दूंगा मैं, इसको डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ए और जो बी टंकी के बीच में क्रम से जो वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी, यदि 15 रुपए में जो 15 वस्तुओं को हिसाब से खरीदता है,
और 1.23 के हिसाब से जो प्रति वस्तु के भाव से बेचता है तो प्रतिशत का लाभ बताना है। तो वन वस्तु का जो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है कितना है, 1 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस सीएसपी हमारा कितना है, 1.23 है, इतने पे खरीदा इतने पे बेच दिया, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, भाई देखो ये हमारा तो लाभ हो जाएगा, कितना लाभ हुआ, लाभ कम है, 1.3 में से ये इतना माइनस कर दिया और पौन कितना का सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस रख दिया तो ये हो जाएगा, निकल का जाएगा 2.23 / 1 × 100, तो ये हमारा 20% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटे वाली सुई, देखो ये हमारा जो रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है तो ये मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है, इस पर जो पूरी क्लास पढ़ी हुई, पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है घंटे की, घड़ी की, जो कैसे चाहे प्रतिबिंब चाहे आपका मिरर में बने, कैसे बने मिरर में बनेगा, कैसे बनेगा तो उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, तो सारे क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं, जिसने नहीं देखा देख ले जाके ले। जो घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितने डिग्री का जो कोण जो बनाएगी ये पूछा गया है, तो एक घंटे में देखो एक मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमती है, और घंटे वाली सुई जो 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री हो जाएगा हमारा, और जो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, देखो इसको अच्छा लगता है, तो ये हमारा 23.5 डिग्री, ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा किसी व्यापार में जो ए और बी को जो 4200 रुपए और जो 5600 रुपए की पूंजी निवेश करता है, ए ने की जो 4200 रुपए, बी ने की जो हमारे 5600 रुपए निवेश की, और वर्ष के अंतराल पर जो कुल जो कितने का 1220 रुपए का उन्हें लाभ होता है, भाई इन्होंने कुछ दो बंदे हैं उन्होंने ए लगाए, ए ने लगाए 4200 रुपए, इसने लगाए बी ने लगाए 5600 रुपए, और लास्ट में जो कितना जो उन्हें लाभ हुआ उनको लाभ होता है जो 1820 रुपए का लाभ होता है, तो बी का लाभ बताना है, बी का जो कितना लाभ हुआ बी को, तो लाभ लाभ का फॉर्मूला होता है इंटू पूंजी इंटू समय, तो ये अनुपात में इस तरह ले जाएगा, लाभ इक्वल टू जो कितना हो जाएगा अनुपात में देख लेते हैं, 4200 × 1 और 5600 × 2, ये कितना निकल के आया 3:3 का आया, तो बी का पार्ट निकाल लेते हैं, तो 1820 / 3/7 टोटल लिख लेंगे अनुपात, तो हमारा कितना आ जाएगा 1040 रुपये, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 38 मीटर भुजा वाले जो वर्गाकार को पथ एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगेगा, जबकि जो उसकी चाल 6 किलोमीटर पर हो, तो देखो ये हमारा वर्गाकार है 38, इसका जो भुजा है इसकी बोल रहा है, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, भुजा इंटू 4 × भुजा, तो ये कितना होगा 4 × 38, और जो चाल जो समय हमारा समय का फॉर्मूला होता है दूरी बढ़ो दूरी अपॉन जो चाल, तो ये निकालेंगे 38 × 4 = 4 × 18 / 6 × 5, तो सेकंड ये निकल के आ जाएगा 152 × 3/5, ये 4 36/5 निकल के